मैंने इनायत खान साहब की ये बातें दे रखी हैं, फयाज खान साहब की वो बातें ले रखी हैं, अब्दुल करीम खान साहब का वो लिया है। सितार के साथ साथ जरा गाना ज्यादा गाने लगा, बल्कि यहां तक कि मैंने रेडियो पे प्रोग्राम भी करने लगा और गाने पे मेरा झोंक बहुत ज्यादा हो गया। सालाना साल के बाद का वाक़ा है, जबकि हम बॉम्बे में स्टेब्लिश्ड भी हो गए थे, फिर कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस करने आया करते थे, हमें जब बुलाया करते थे लोग वहां, तो एक दिन में गाने का प्रोग्राम कर रहा था और गाने का प्रोग्राम किया तो मुझे सदरंग संगीत संसद से एक अच्छा पुरस्कार भी मिला। तो मैं घर पे आया, हमारी अम्मा बहुत खुश हुई मेरे तरफ देख के, कहने लगी, देख बेटा तू गाना छोड़ दे। तो मैं थक से होके रह गया। मैंने कहा, यार ये क्या कह रही थी। फिर वो कहने लगी, मैं बंदे हसन की बेटी हूं गवैये की, और इमदाद खां के घर की बहू हूं, इनायत खां की बीवी हूं, मेरी लॉयल्टी मेरे हामिद पे जाती है, मैं हरगिज ये गवारा नहीं करूंगी कि इनायत खां का बेटा सितार नहीं बजा सका, गाना गाया, तुझको सितार बजाना पड़ेगा, तेरे खानदान छह पुश्तैनों का नाम तुझे सितार से रखना पड़ेगा, अगर तेरे में हिम्मत है तो तू सितार में नाम पैदा कर।